अगर अभी तक आपने ये पेज लाइक नहीं किया है तो अब अवश्य कर लें। सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम। अभी सबलगढ़ में हाल ही कल ही एक कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके संयोजक हमारे समक्ष हैं, जिनकी कौशल से ये कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। सारे शहर में माहौल भी है साहित्य की चर्चा का, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक कॉलम ये जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, साहित्य चर्चा या किताबों पे चर्चा, जो आज से चालू कर रहे हैं। और आपको हर सप्ताह राजवीर भारती जी के मुख से आपको हर सुनने को मिला करेगा। और थोड़ा सा इनका परिचय मैं करा दूं आपको, जो नए हैं या जो सबलगढ़ से बाहर हैं। सबलगढ़ के आप मूर्धन्य साहित्यकार हैं श्री राजवीर जी भारती, इनका जन्म स्थान है जौरा तहसील का ग्राम कोलू डाड़ा, और वर्तमान में आप निवास करते हैं मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील, तहसील मुख्यालय पर ही सुनहरा रोड पर आपका निवास है। आप शिक्षाविद हैं, पूर्व में विद्यालय संचालक रहे हैं। आपके पिताजी श्री महाराज सिंह भी अपने क्षेत्र के प्रख्यात साहित्यकार थे, माताजी श्रीमती जमुना देवी। और आपका जन्म 12 मई 1959 को ग्राम कोलू डाणा में ही हुआ। आप लगभग सैकड़ों गीत और कविताएं तो लिख ही चुके हैं, दो पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं जिनके नाम हैं द्वापर की छत्राणी और दूसरी गीत प्रभा। जो गीत प्रभा जो है लगभग 70 के करीब गीतों का संकलन है, और द्वापर की छत्राणी एक प्रबंध काव्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई तरह के काव्य होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, तो उन्हीं में एक प्रबंध काव्य है द्वापर की छत्राणी। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है माननीय श्री राजवीर जी भारती द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके कुछ अंश, वर्तमान में कविता की दशा, और हिंदी साहित्य के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस तरह के सुझाव। ये पुस्तक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है द्वापर की छत्राणी। लेखक हैं इसके राजवीर जी भारती। और आपकी एक उपलब्धि और है, आपके द्वारा गीत लिखे गए सनी ने बुलाया है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध मुरैना के नज़दीक ही ऐती में प्रसिद्ध सनी मंदिर है, तो इसके गीतों के आप लेखक हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि ये इधर गीतकार राजवीर भारती। और इस कैसेट की ये खासियत है, इसे गीतबद्ध किया है मीरा उपाध्याय ने, और लगभग 50,000 से अधिक कॉपियां इस कैसेट की बिक चुकी हैं। ये सवाल जवाबों का सिलसिला चालू करते हैं। तो पहला सवाल आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्तमान पीढ़ी को जो साहित्य में उनकी रुचि जगे, और किस प्रकार का साहित्य लोगों को इस वर्तमान दौर में लोगों के पास होना चाहिए, उसको लेके कुछ आपके विचार। देखिए उपाध्याय जी, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आजकल का जो नई पीढ़ी है वो साहित्य से अनछुई रह रही है। उसके लिए मेरा एक ही कहना है कि जिस तरह से अपने घर में भूख मिटाने के लिए या खाने के लिए एक रसोई घर होता है, उस तरह से उसके मानसिक विचारों को बहुत बड़ा रूप देने के लिए घर में एक पुस्तकालय भी होना चाहिए। एक पुस्तकालय, आप घर की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरे शहर में कोई पुस्तकालय नहीं है। नहीं तो अब मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मतलब जैसे शारीरिक भोजन की छुदा, मतलब जो अपने शारीरिक भोजन की पूर्ति के लिए घर में अपना रसोई घर होता है, वैसे पुस्तकालय हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जिससे हमारे जो मानसिक भोजन की पूर्ति हो सके। हाँ, मानसिक भोजन की पूर्ति होगी, छोटे बच्चों का उधर थोड़ा सा झुकाव होगा, बच्चे पुस्तकों को देखेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनमें ज्ञान की एक झलक दिखेगी। और इसी तरह से मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय होना चाहिए, और एक बड़ा पुस्तकालय पूरे शहर में एक बड़ा पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे लोग कम से कम, जो लोग बौद्धिक हैं वो कम से कम वहाँ पहुँच करके कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करें जो साहित्य के लिए काम आए।
मतलब जैसे देवालय थे और उसके बाद अपने यहाँ दौर चला एक शौचालय का, वैसे दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक पुस्तकालय भी लगभग हर घर में नहीं तो हर मोहल्ले में या वार्ड में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। तो पहले तो शहर में एक हो जाए अच्छा था, उसके बाद हर वार्ड का नंबर आता है। अब शहर में एक पुस्तकालय है लेकिन वो दयनीय स्थिति में है, उसके लिए आप जैसे सजग जो क्लब घर जो अपना जी, वो तो वर्तमान में केवल वाचनालय है और कुछ अखबार ही वहाँ गिरते भरे हैं जी। वहाँ पुस्तकालय भी था पहले, हम लोग जाया करते थे, लेकिन अब केवल वाचनालय में उसमें केवल अब पेपर्स ही आते हैं, अखबार ही आते हैं, लोग साहित्य के लिए भटकते रहते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि शहर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय होना चाहिए जिससे लोग उसका लाभ ले सकें। दूसरा, आपकी कुछ जैसे पुस्तकें हैं द्वापर की छत्राणी है आपने जैसे बताया, मेधा गीत प्रभा है, तो आपकी जो पंक्तियाँ आज का थोड़ा सा छोटा ही रखने वाले हैं अगले अंश के लिए, जी जी, तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आपके हृदय के सबसे करीब हों आपकी जो पुस्तक है द्वापर की छत्राणी से। देखिए जी, जो मेरी पुस्तक है द्वापर की छत्राणी, थोड़ा सा इसे दिखा, ये जो मेरी पुस्तक है ये द्वापर की छत्राणी, इसको नाम दिया गया है, ये महारानी कुंती पर आधारित है जी। कुंती के जीवन व्रत को लेकर के लिखा गया ये प्रबंध काव्य है। और आप चाहें, आप कह रहे हैं कि इसमें से कुछ अंश मैं सुनाऊं। अच्छा, तो ये आपका जो काव्य है मतलब छंदबद्ध है जैसा कि बताया जाता है, दोहा चौपाई में कुछ मात्राओं का बंधन होता है, सोरठा में अलग होता है, तो कौन से छंद का उपयोग किया है? ये गीतकार गीत का छंद पे आधारित, गीतकार गीत का जी। कितनी कितनी 26 और 28 मात्रा का छंद होता है, 26 और 28। बड़ा परेशान करता था ये विषय मात्राओं वाला, यगण मगण रगण और वो सब सममात्रिक विषम मात्रिक इस तरह का। हाँ, इसके लिए एक तपस्या की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये छंद जो है आदिकाल से है और इस छंद में रस होता है। आजकल वैसे कविताएं जो बिना तुक्के, इनको अपन अकविता भी कहते हैं, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, उसके जी बड़े निराला जी, वो आप जो कह रहे हैं वो सही है कि उन रचनाओं का प्रकाशन भी हुआ और आजकल चलन में भी है, लेकिन छंदबद्ध कविता अपना अलग तो प्रभाव। इसकी कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आपके हृदय के सबसे करीब हों। जी जी, मैं आपको सुनाता हूँ। जब कुंती अपने बड़े पुत्र कर्ण को जी, जिन्हें उन्होंने जब वो उस नदी में प्रवाहित कर रही है जीवित अवस्था में, तो उसका जो मन है बालक का जी, वो उससे कह रहा है कि है अबोध बालक ये तेरा, सब कुछ सह जाएगा और सोच सर्पिणी और तुझ में क्या अंतर रह जाएगा। यदि तू मुझे बहा रही है तो सर्पिणी में और तुझ में क्या अंतर रहा? तू समझती है कि माँ क्या होती है? माँ तो वह होती है जो ममता को स्वयं लुटाती, तू माँ का मतलब क्या जाने, बनी आज सुत घाती, माँ का अर्थ हुआ करता है संतति पर मिट जाना, और शिशु पर हो संताप स्वयं उसके हित में लुट जाना, माँ का अर्थ भूख से व्याकुल शिशु को दूध पिलाना, माँ का अर्थ पुत्र की पीड़ा को अनुभव कर जाना, माँ का अर्थ हुआ करता है शिशु का जीवन जीना, और स्वयं जिगर के घावों से शिशु के घावों को सीना, माँ का अर्थ हर एक नारी कब कहाँ समझ पाती है, और पुत्र बिलग होने पर माँ को नींद नहीं आती है, और तू मुझको बुहा रही है। और भी वो कुछ कहता है के जब तू माँ, जब एक माँ ही अपने पुत्र को इस तरह का व्यवहार देगी तो वो पुत्र उस माँ की क्या सहायता कर पाएगा, उसका सम्मान कैसे करेगा। तो कुंती बेबस होकर के और फिर उस अपने पुत्र से कहती है कि होंगे मेरे पुण्य उदय तो तेरे दर्श करूँगी, तेरे इस उजले माथे को फिर स्पर्श करूंगी, माता आज बनी है फिर से बेटा देख कुमाता, और ममता मोह धर्म परिहर के तोड़ रही हर नाता। तो ऐसा इसमें संवाद कई कई आया है। और ये मेरी जो पुस्तक है ये एक नारी
को सजग करने के लिए नारी अपने। अच्छा, तो वैसे तो लोगों को पता होता है, लेकिन कुंती जी की जो ये व्यथा थी, उन्होंने अपने पुत्र को बहाना पड़ा उन्हें, तो थोड़ा सा उस पर भी, थोड़ा सा वो कहानी पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिन्हें नहीं पता है उन तक भी बात पहुंचेगी। जी जी जी, जैसे ये क्या कि सूर्य पुत्र कहलाते थे कर्ण जी, और ये उनके द्वारा दिया हुआ एक वरदान था और पुत्र के रूप में उन्हें दिया, लेकिन कुंती उस पुत्र को छिपा करके अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपनी एक समाज से उस कष्ट को न झेलते हुए उसने ये निर्णय लिया था कि मैं इस पुत्र को बहा दूँ तो मेरा बच जाएगा, मेरी बदनामी नहीं हो पाएगी। उन्होंने मंत्र सिद्धि ऐसी दी कि जिससे मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती जी, है। उन्होंने वो जांच करने वो मंत्र जाप किया और वो कर्ण के रूप जी, में पढ़ी थी। इस किताब में पूरा का पूरा इसमें दिया है कि कैसे सूर्य आए हैं और कैसे उतरे। ऐसा कहते हैं कि अपने मुरैना के नज़दीक कहीं कुतवार में आज भी वो जो घोड़ों के उतरने, सूर्यदेव का जो घोड़ा है और जो उतरा और उसके खुरों के निशान आज भी हैं जी। योगेश जी, मैं इस पुस्तक को लिखने से पहले वहाँ गया था जी, कुतवार बसैया माता के पास है जी जी, और मैंने उस स्थान का भ्रमण भी किया जहाँ सूर्य मंदिर भी आज बना हुआ है जी, और वो पहाड़ियाँ जहाँ बताते हैं कि सूर्य अपने रथ को लेकर के उतरे थे, तो रथ के पहियों के निशान और घोड़ों की टापों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। आज भी देखे जा सकते हैं बिल्कुल। और जहाँ उसके नीचे ही एक आसन नदी है, उसको कर्णखार के नाम से जानते हैं जी, उसी आसन नदी में मजबूर होकर के माता कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को उसमें बहा दिया। तो अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं कपोल कल्पनाएं हैं, काल्पनिक हैं, तो उनके लिए कुछ आप देखो भारतीय पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति में ये ऐसे ऐसे अनूठे कार्य हुए हैं कि लोग आज विज्ञान के युग में इन्हें समझ नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि सूर्य तो स्थाई है, लेकिन नहीं, सूर्य आज भगवान के रूप में स्वयं विराजमान है। लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा है, अगर देखना है भगवान को तो सुबह सूर्य के दर्शन, सूर्य भगवान सबसे बड़े भगवान हैं जो कि सबके साक्षात सामने होते हैं, जीवन बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं बिल्कुल सही है। आज का विज्ञान का युग माने या न माने, लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूँ। जैसे कई सारे अपने ग्रंथों में बताते हैं ब्रह्मास्त्र हैं और वो सारे सिद्धांत हैं, ऐसा कुछ बताते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो कहीं ना कहीं भारत में ही हुई, और अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री हुए बिप्लव देव जी, तो उनका एक बयान आया जी, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान उस समय जो संजय थे और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते थे, तो उस समय भी कहीं ना कहीं इंटरनेट और वो सारी सुविधाएं थी बिल्कुल, तो बड़ा लेके मीडिया में वो बना उनका के विवादित बयान और मूर्खता वाला बयान, तो आपकी दृष्टि से क्या था वो? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो विज्ञान प्राचीन युग में द्वापर में त्रेता में सतयुग में रहा, उस विज्ञान तक पहुँचने में अभी हमें और कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं, आज मिसाइलें बन चुकी हैं, लेकिन ऐसी मिसाइल न तो अमेरिका बना पाया है, न जापान बना पाया है, न रूस बना पाया है, और न हिंदुस्तान में ही बनी है कि वो मिसाइल अपने शत्रु का दमन करके और लौट के वापस आ जाए। हाँ, ये तो नहीं कि वापस आने वाला सिस्टम आने वाले नहीं है, लेकिन पहले ये था कि तर्कस में से तीर निकलता था और निशाने पर लगता था और लौट के अपने पास वापस आ जाता था। विमान भी थे उस समय, पुष्पक विमान में ये विशेषता थी कि वो जितने भी सवारियां बिठा लेता था फिर भी एक सीट खाली रह जाती थी। आज विमान में 200 सीटर है तो 200 ही रहेगा। तो जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो विमान जो ऐसा अपने कई सारे उनका वेताओं का नाम आता है जिन्होंने पहले ही विमान शास्त्र के ऊपर पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हैं, और दूसरा श्रेय दिया जाता है राइट ब्रदर्स को। जी, ये गलत है, ये तो अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति ये बहुत बड़ा एक प्रहार है। ये भारतीय तो सभ्यता में बहुत पहले इसकी खोज हो चुकी थी। तो
तो बिल्कुल लोगों को लौटना पड़ेगा अपनी पुरातन संस्कृति की ओर, लोगों को अपना गौरव जगाना होगा। और अगले सप्ताह कुछ अन्य साहित्यिक चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे जी, आप राजवीर भारती जी, और हर सप्ताह आपके साथ कोशिश रहेगी कि हर सप्ताह आपके से मिलना हुआ करे। बिल्कुल स्वागत है जी। हाँ, क्या पूछ रहे थे योगेश जी आप? हाँ, आगे कुछ आपको दर्शकों को संदेश? दर्शकों का मेरा यही संदेश है कि जो आजकल की मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसमें आप जैसे प्रबुद्ध लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यदि उन्हें यह वीडियो और साहित्य के प्रति चर्चा पसंद आई हो तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन जिन बिंदुओं पर आप अगली चर्चा में चर्चा चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किन साहित्यिक बिंदुओं पर चर्चा चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और एक बार आपसे पुनः ये निवेदन करता हूं कि आप इस पेज को, इस पोस्ट को ज़रूर लाइक करें, और हमारे योगेश जी आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। आप इन वीडियोस को देखेंगे और इस पर चर्चा चाहेंगे, मैं आपके साथ फिर अगले एपिसोड में बना रहूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के कमेंट में आप अपने विचार रखें। धन्यवाद।